हमसे टकराएगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हर गली गली से आई आवाज किसान एकता जिंदाबाद। जींद में भारतीय किसान यूनियन ने तपती गर्मी में कृषि अध्यादेशों के विरोध में सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान हाथों में मंदिरों की घंटियां लेकर सांसद ब्रजेंद्र सिंह के निवास स्थान जींद पर गए और वहां पर अपनी मांगों को लेकर जींद में सांसद ब्रजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा और किसानों ने घंटियां बजाकर नेताओं को जगाने का प्रयास किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 4 सितंबर को तक में प्रदेश स्तर पर पंचायत होगी जिसमें कड़ा फैसला लिया जाएगा। सरकार आज से 2 महीने पहले 3 अध्यादेश जो नहीं लाई और इन तीनों तो अध्यादेशों को राष्ट्रपति से मंजूरी कराने के बाद अब सरकार जो है नहीं उस विधेयक को अगले सेशन में पास कराने की कोशिश में है। तो उसका हमने देखा उसका अधिवेशन के नाम आपका अध्यादेश का विवरण देखने के बाद में हमने देखा वो जो है नहीं किसान हितैषी ना होकर के किसान विरोधी सौदा है, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा जो है नहीं जो हक है फसल पैदा करने का उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट खेती फार्मिंग का सिस्टम बनवाया है। वो खिताब किसाब की जो नहीं हमारी जो भी खेती है छोटी है या मतलब ज़्यादा है उसको इकट्ठे करके एक कंपनी को दे देंगे और कंपनी जो नहीं अपनी मर्जी के हिसाब से उत्पाद कराएगी, किसान की उसके अंदर नहीं चलेगी। और उसका उदाहरण भी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अभी 10 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने देखा है, आपने अपने मीडिया में भी खूब उछाला है। अकबर देश के अंदर टमाटर जो 2.5 रुपये बिकने लग रहा था 5 दिन लगातार उन्हीं व्यापारियों ने खरीद करके उसके बाद में उसको 60 और 80 रुपये में बेचने लग रहे हैं। इसी प्रकार से आलू की पोजीशन आई, आज आलू 25 और 30 रुपये है। इसी प्रकार से जो है आपका प्याज की समस्या आई है। तो ये तीनों फसलें जो है कमर्शियल पोजिशन में सरकार लेके आई और तीनों के तीनों ऊपर सारी जनता के ऊपर मार पड़ी है। तो इसका विरोध करते हुए हम जो है ये बात ले आए हैं। उसके बाद में हमारा MSP जो था, MSP हमारा ये था, अगर मार्केट कमेटी हमारे पैसे की गारंटर होती थी और वो MSP पर हमारा माल बिकवाती थी। अब ये जो कंपनियों ने हमारे घर पर मतलब कहती है खरीद कराएंगे, उसमें जो है नहीं उसकी कंपनी की मर्जी होगी जो हमारे से एग्रीमेंट करेगी किस प्रकार से लेगी किस प्रकार से तुलाएगी। तो उसमें हमें जो है पहले आज से 50 साल पहले भी हमारे देश में व्यवस्था थी जो खरीद की वो हमारे साथ में धांधली की थी, उसमें ये उसी के लिए तो मार्केट कमेटी के ऊपर जोर देकर ये काम सब चालू करवा था। आज सरकार उससे हाथ खींचना चाहती है। तो एक दूसरा वो है, उसमें हमारी पेमेंट का कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा, उसमें हमारे मूल्य का कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा। और उसमें अगर जब हमारा थोड़ा बहुत मूल्य का जिम्मेवार भी बनता है तो इन्होंने सरकार के 2 नुमाइंदे जो अधिकारी हैं, एक SDM एक DC, उनको बना करके ये कह दिया अब इसके बाद में आपका जो है जुडिशली में जाने का कोई अधिकार नहीं रहा है। तो हमारे को संविधान के मुताबिक जो अधिकार मिला हुआ था इन्हें, अब ये अधिकार जो है हमारे खिलाफ हैं। उसके बाद में एसेसिंग कम्युनिटी एक्ट है जो 1955 का कानून, आपातकाल की जो सेवाएं होती थी उसके लिए जरूरी था बस स्टॉक रखना बहुत, और उसके ऊपर जो है इतनी पाबंदी लगाना क्योंकि जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ सकती है खाद्यान्न की, तो वो सरकार ने जो है उसको खोल दिया और व्यापारी को ये कह दिया कहीं पर भी ले जा करके बेच सकते हैं, क्योंकि 97.5% किसान 2.5 एकड़ का है हैं, और बाकी का जो है 2.5% किसान वो 5 एकड़ का 7 एकड़ का है। तो उनका जो है नहीं कोई भी विवरण नहीं, कोई उनका ब्यौत नहीं है अब वो कहीं ले जा करके माल को बेच सके। तो इसलिए जो कंपनियां खरीद के लिए आएंगी उनके लिए सरकार ने ये छूट दी है, और जो आपका जो है मार्केटिंग का जो प्रीमिस था जो प्लेटफार्म था वहां पर तो लगा दिया 18% का टैक्स, और जो हमारा सीधे लगा मतलब खरीदेंगे उन कंपनियों के ऊपर जो है सारी छूट दे दी, और यहाँ तक दे दी कि उनको जो है 50% किराया उनके गोदाम तक का भी मिलेगा। जब वो इस प्रमिसेज में जहाँ पर आज जो है हमारे सारी चीज सुरक्षित थी वहाँ पर से तोड़ करके ये कह दिया कि यहाँ तो टैक्स लगेगा और वहाँ से सीधी लोगे आपको फ्री में मतलब मिलेगा सारा सुधा। तो केंद्र सरकार ने बगैर किसानों से पूछे हुए अध्यादेश पास? हाँ, ये बिल्कुल केंद्र सरकार ने बगैर किसानों से जो है पूछे, और WTO के दबाव के अंदर जो लगातार हम 1995 शरीफ तक हर मीटिंग के अंदर जा जाकर विदेशों में भी मतलब किसान यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रही थी उसको नकारते हुए अगर मांग नहीं माने तो हम इससे ज्यादा मतलब भयंकर आंदोलन शुरू करेंगे, और जितने भी MLA और MPs हैं उनको उनके निवास स्थान पर ही घेरेंगे। में मोदी सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर के आई है कृषि प्रधान देश में किसान को खत्म करने के लिए, किसान को विदेशी कंपनियों के हवाले करने के लिए,
जो अध्यादेश आए हैं और जो अगले सत्र में कानून का रूप लेंगे उनके विरोध में पूरे प्रदेश में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विपक्ष के नेता, इनको हम ज्ञापन दे रहे, चेतावनी दे रहे। और उसी श्रेणी में आज जींद में और कुरुक्षेत्र में आज ज्ञापन दिए गए हैं। ऐसे ही पूरे अगस्त महीने में ज्ञापन दे करके और सांसदों को चेताया जाएगा। अगर अध्यादेश वापिस नहीं लिए, कानून के ऊपर सरकार अड़ी रही, तो भारतीय किसान यूनियन कड़ा फैसला लेगी। इसको लेकर के 4 सितंबर को पूरे हरियाणा की प्रदेश स्तरीय पंचायत रोहतक में रखी गई है, जिसमें कड़ा निर्णय लेने पर भारतीय किसान यूनियन किसान मजबूर होंगे और उसकी जिम्मेदारी मौजूदा शासन और प्रशासन की होगी।